कि आपकी वृद्धि है कि आपकी वृद्धि हो, क्या क्या बढ़े इसमें आ रहा है, ध्यान से हमारे साथ सुने और लाभ प्राप्त करें। अगले चरण में हम चलेंगे, कहाँ है वो बोलिए। चातुर्वर्ण चातुर्वर्ण संगहा, पशिदंतु, उसका मतलब चतुर्वर्ण संघ जो होता है मुनि आर्य का शौर्य, कि मैं हमेशा प्रसन्न हूँ। दीक्षा शिक्षा 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 विद्या गुरुवश्च विद्या गुरुवश पशिदंतु, बसिदंतु, जो दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, विद्या गुरु हैं। ध्यान रखना, जो हमें धर्म की दीक्षा दे वो दीक्षा गुरु कहलाते हैं, जो हमें धर्म का बोध कराए, जैन बनाए, सार्वक की दीक्षा दे वो दीक्षा गुरु है, जो पढ़ाए वो शिक्षा गुरु है, और जो मंत्र देवे आशीर्वाद दे वो विद्या गुरु। हमारे गुरुदेव आचार्य शुकुंद सागर जी हमारे लिए दीक्षा गुरु भी हैं, हमारे शिक्षा गुरु भी हैं, और हमारे विद्या गुरु भी हैं। उन्हें विद्या भी दी, शिक्षा भी दी है, दीक्षा भी दी है, तो ये सभी प्रसन्न हो। सभी गुरु जी ना हो जाए और सभी के लिए सब गुरु इस तरह होते हैं। आप भी तो बोलिए। ग्राम ग्राम कुल कुल ग्रह ग्रह नगरादि नगरादि देवताश्च देवताश्च प्रसिदंतु, प्रसिदंतु इसका मतलब क्या हुआ कि आप जहाँ बैठे वो ग्राम के, कुल के, ग्रह के, नगर आदि के जितने भी देवता हैं वो सभी प्रसन्न हो। यदि आप ये मंत्र बोलते हैं तो मंत्र बोलने से यश में प्रसन्न होते हैं, पुण्य आपका चाहिए, और साथ में आपके सद्भावना और मंत्रों की विधि होना चाहिए। यदि आपने विधि बराबर की है तो होगा, यदि आप भावना रखते लेकिन विधि नहीं करोगे, शांति मंत्र करने से आपके जीवन के हजारों लाखों संकट आपके टल जाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा उससे मिलती है। देखिए, और शाम्यंतु घोराणी, मतलब जो घोर कर्म है शांत हो जाए, शाम्यंतु पापानी, और सभी पाप शांत हो जाए, इसमें विशेष भाव रहता है। आगे पुण्यम वर्धताम, मतलब पुण्य निरंतर बढ़ता रहे, पुण्य बढ़े। धर्मो वर्धताम, धर्म वृद्धि को प्राप्त, धर्म बढ़े। आयुर वर्धताम, मतलब आयु बढ़े। श्री वर्धताम, श्री बढ़े। अब इसमें आयु बढ़े, आयु बढ़े का मतलब क्या हुआ, क्या जो आप आयु लेकर आए उसमें बढ़ जाएगी? नहीं, आप जितनी आयु लेकर आए, कितनी आयु लेकर आया है तो सोच पगले, आयु कितनी है पता नहीं, लेकिन जितनी भी आयु है वो आयु यदि आप शांति से, समता से, स्वस्थ होकर के जीते हैं तो अपनी जितनी आयु लेकर आए वो अपनी आयु पूरी कर। हमारे यहाँ पर चार आयु होती है, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु, नरक आयु और देव आयु। इसमें से जो देव और नारकी हैं इनकी जितनी आयु होती है उतनी आयु उनको भोगना ही होती है। नारकी तो रोकर भोगते हैं और देवलोक सुखों में भोगते हैं और आखिर में वियोग में भोगते हैं। वियोग होता है जब उनकी आयु को मरने का समय आता है, बहुत रोते हैं, दुखी होते हैं, परंतु उनको अपना आयु पूरी कर। और त्रियंच और मनुष्य ऐसे जीव हैं, कर्म भूमि के जो मनुष्य त्रियंच है, समय दृष्टि जो देव होते हैं, हाँ समय दृष्टि जो देव होते हैं, नारकी होते हैं, वे नारकी फिर समता में आ जाते हैं, और समय दृष्टि देव वे ये सोचते हैं कि मेरी आयु का अंत समय आ गया है, इस समय पर मैं अभी निरंतर ये छूटने वाला है तो क्यों इससे राग करूं, और वह उनके अपने जो चैत्यालय जिनालय होता वहां जाते हैं और वहीं बैठ करके भगवान का स्मरण करते करते अपने देह को छोड़ देते, 6 महीने पहले समय जाकर के बैठ जाते। इस तरह से नारकी और देव को तो अपनी आयु पूरी भोगना है। अब बचे मनुष्य त्रियंश। अब यदि मनुष्य ज्यादा क्लेश करता है, ज्यादा राग द्वेष करता है, बीमार पड़ जाए, जहर खा ले, विषभक्षण कर ले, अस्त्र शस्त्र लग जावे, दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें अकाल मरण भी हो सकता है। लेकिन यदि इनसे बचता है, धर्म करता है, भक्ति करता है, पुण्य करता है, तो धर्म और भक्ति के कारण से आयु की बराबर अपना जीने से आयु बढ़ता है इसमें। अब श्री वर्धताम, मतलब भगवान भक्ति से आपका श्री बढ़े, श्री की वृद्धि। यशो वर्धताम, यश बढ़ता रहे, है ना, यश बढ़े, तेरे को नहीं पढ़ना ना। शांतिर वर्धताम, मतलब शांति बढ़े। कांतिर वर्धताम,
कांति बढ़े, निरंतर कांति बढ़ती रहे, मति बढ़ता मति बढ़ती रहे, हमारी हमेशा मति बुद्धि बढ़ती रहे, बुद्धि विशुद्धि बढ़ता, बुद्धि विशुद्धि निरंतर बढ़ती रहे, बुद्धि की विशुद्धि हो, रत्न त्रयम बढ़ता है ना, रत्न त्रय बढ़े, सम्यक्त्वम बढ़ता सम्यक्त बढ़े, कितनी अच्छी भावना है, सम्यक्त हो जाए, सम्यक्त बढ़ जाए, इससे बड़ा और क्या होगा, सम्यक ज्ञानम बढ़ता सम्यक ज्ञान बढ़ता रहे, सम्यक चारित्रम बढ़ता भगवान की शानदार सम्यक चरित्र भी आपका बढ़ सकता है, बढ़े, श्रेयो बढ़ता मतलब श्रेय निरंतर बढ़ता रहे, मंगल बढ़ता मंगल बढ़ता रहे, आरोग्य बढ़ता मतलब भगवान की भक्ति धारा से आरोग्य भी बढ़ता है, आरोग्य लाभ भी होता है, कुलगोत्रम जाति चाभेर बढ़ता मतलब कुल बढ़े, गोत्र बढ़े, जाति और भी बढ़ती रहे, निरंतर आप बढ़ते रहे, ये भावना इसमें आती है। और देखिए आगे, स्वस्ति भद्रम चास्तु वहा ततो भूयो भूयहा श्रेयसे, मतलब हमेशा निरंतर हमारा स्वस्ति होता रहे, मंगल होता रहे, और जब भी हो श्रेय कल्याण होता रहे, प्राणी मात्र का श्रेय हो। ओम भीम क्षीम क्षीम हम सह स्वस्त्यस्तु ते मे स्वाहा। ये बीजाक्षर है, बीजाक्षर के साथ स्वस्त्यस्तु मतलब हमेशा स्वस्थ हो, किसका हो, दे और मे, मेरा और आप सबका मंगल निरंतर होता रहे, स्वस्थ रहे। ओम पुण्याहम पुण्याहम प्रियंताम प्रियंताम निरंतर मैं पुण्यमय हूँ, मैं पुण्य स्वरूप हूँ, और निरंतर पुण्या होता रहे, पुण्या वाचन होता रहे, पुण्या मतलब पुण्य क्या है, जो हमारी आत्मा को पवित्र करे उसको पुण्य कहते हैं, पुनाति आत्मन पवित्र क्रियते इति पुण्य, तो निरंतर पुण्य हो, प्रियंता हमेशा प्रसन्नता ही प्रसन्नता, अरहंतो भगवंतो सर्वज्ञः सकल सर्वदर्शन सकल वीर्य सुखास त्रिलोक प्रद्योतन करा जाति जरा मरण प्रमुक्तः सर्वदश ओम श्रीम श्रीम धृति कीर्ति बुद्धि प्रियंताम प्रियंताम चंद्र में आया कि जो अरहंत हैं, भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, और सकल सप्तर्षि हैं, और सकल वीर के धारी हैं, ऐसे तीन लोक को प्रकाशित करने वाले जो भगवान जाति जरा और मरण से पूर्णतया मुक्त हैं, रहित हैं, ऐसे भगवान भी हमेशा प्रसन्न हों, सर्वदश्च उनकी ज्ञान ज्योति हमको प्राप्त होती रहे, और साथ में दश्च कुमारी देवियां हैं, श्री देवी है, ह्री देवी है, जति है, कीर्ति है, बुद्धि लक्ष्मी है, शांति पुष्टि है, सभी हमेशा प्रसन्न हो, ये शांतरा का एक पार्ट हुआ। अगला पार्ट हमारा जो होगा उसमें क्या क्या छिंद भिंद हो, ये शांतरा का अगला चरण आएगा, चरण आएगा, तो आप सभी उसका लाभ लेने के लिए समय पर जुड़े और लाभ प्राप्त करें।